लखनऊ का चारबाग स्टेशन इन दिनों सुर्खियों में है। वजह ट्रेन की टाइमिंग नहीं, चूहों की उछल कूद है। चूहे कहां नहीं होते, रेलवे स्टेशन पर भी हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे। इनसे निपटने के लिए रेलवे ने क्या किया? जवाब एक आरटीआई से मिला। पता चला उत्तर रेलवे की लखनऊ डिवीजन ने चूहों को पकड़ने के लिए 3 साल में 69 लाख रुपए खर्च कर दिए। 168 चूहों को पकड़ने के लिए इतनी मोटी रकम खर्च की गई। रेलवे के लखनऊ उपमंडल ने चूहों से निजात दिलाने का ठेका सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन गोमती नगर को दिया था। तमाम तरह की बातें हो रही हैं चूहों पर। सियासतदानों को मौका मिल गया रेलवे को घेरने का। रेलवे ने सफाई जारी की और कहा चूहों को पकड़ने से ज्यादा बचाव पर फोकस था। हर साल 23.2 लाख रुपए सिर्फ चूहों पर नहीं बल्कि मच्छर, कॉकरोच, खटमल की रोकथाम पर खर्च हुए। ये भी बताया कि हर साल 25,000 डिब्बों के रखरखाव पर पैसा खर्च किया। रेलवे का कहना है कि जितना नुकसान चूहे करते हैं उसके मुकाबले ये पैसा काफी कम है। बात सिर्फ लखनऊ की नहीं, चूहों को लेकर हर तरह की खबरें सामने आई हैं। बिहार तो इस मामले में गजब है। 2017 में ये खबर सामने आई कि कैसे पुलिस कस्टडी में रखी 9 लाख लीटर शराब को चूहे ढकार गए। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, मुंबई हो या मिजोरम, चूहों का आतंक हर जगह है। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जून से अगस्त 2023 तक स्पेशल ड्राइव चलाई। 27,000 से ज्यादा चूहों को जहर दिया ताकि चूहों से होने वाली बीमारी को रोका जा सके। मिजोरम में बताया गया कि पिछले साल चूहे धान की 524 हेक्टेयर खेती खराब कर गए। इसका मतलब समस्या गंभीर है, इसलिए समाधान भी स्थायी होना चाहिए।